स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस। हेलो एवरीवन, कल हमने छोटूस हाउस का वीडियो देखा। ये हमने आपको दिखाए कि ये सारे पिक्चर्स है, वो क्या कहते हैं, सिर्फ पिक्चर्स है या स्टोरी है। तो इस पिक्चर्स के ऊपर से हमने आपको एक स्टोरी भी सुनाई कि छोटू कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। जब छोटू है वो अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम आता है तो क्या होता है उसके साथ, वो क्या करता है। उसके इस पिक्चर्स की स्टोरी के आधार पर थिंक एंड टेल, सोचो और कहो, वो है स्टडी द पिक्चर्स एंड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। क्या पिक्चर्स को स्टडी करना है और फिर ध्यान से इस फॉलोइंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन से उसका आंसर दे रहे हैं। हमने कल ये स्टोरी, ये पिक्चर्स को केयरफुली देखा, उसके ऊपर जो स्टोरी है उसके बारे में भी समझा। आज का वो थिंक और टेल फर्स्ट है, अब दिखाई दिया। वो डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। देखो यहाँ पे, यहाँ पे आया तो उसने पाइप देखा और सोचा, क्या सोचा, तो सोचना है, हम तो सोचते हैं। चलो आंसर सुनेंगे आप। छोटू हैज कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले तो वो छोटू अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम आया है तो कोई जान पहचान वाला होगा, नहीं होगा। ही हैज नो प्लेस टू स्टे इन अहमदाबाद। व्हेन छोटू सो द पाइप ही थॉट दैट द पाइप इज वेरी गुड प्लेस फॉर हिम टू स्टे। खुद कोई कहता है कि कोई मेरा यहाँ जान पहचान वाला नहीं, तो सिर्फ हम कहाँ दी जाए। हाँ, पाइप को देखा, वो वेरी गुड प्लेस है। हाँ, बिकॉज ही वुड नॉट हैव टू पे एनी रेंट फॉर स्टेइंग हियर देर। जो वो पाइप में रहता है तो उसको किसी भी जात का पैसे नहीं देना पड़ता है, देता पड़ता है क्योंकि हमें रेंट देना पड़ता है ना, हम कोई घर में रहते हैं तो किराए पे। तो यहाँ पाइप है, उस पाइप में उसे किराया तो देना पड़ेगा नहीं। तो उसने वो भी सोचा कि पाइप मेरे लिए गुड प्लेस है, क्यों, क्योंकि मुझे कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। मोरेवर नो वन वुड सेंड हिम अवे फ्रॉम देयर, द पाइप वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स रेन कोल्ड एंड हीट। उसने सोचा कि यहाँ से मुझे कोई निकाल भी नहीं सकता है और मुझे कोई किससे प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, जोरदार पवन आता है, हवा चलती है, उससे भी हमें उसे प्रोटेक्ट मिलता है, रेन बारिश से भी, कोल्ड ठंडी, हीट गर्मी, ठंडी गर्मी और पवन रेन सबसे हमें प्रोटेक्ट मिलता है। तो उसने वो सारे थिंक्स सोचे होंगे, उसके बाद उसने पाइप में रहने का सोचा होगा। वह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वो डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। फिर से हम ये दोहराएंगे आंसर्स। छोटू हैज कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। ही हैज नो प्लेस टू स्टे इन अहमदाबाद। व्हेन छोटू सो द पाइप ही थॉट the pipe is a very good place for him to stay because he would not have to pay any rent for staying there. Moreover, no one would send him away from there. The pipe would protect him from strong winds, rains, कोल्ड एंड हीट। समझ में आ गया ना फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू ने पाइप का यूज कैसे किया।
हमने स्टोरी में सुनाया था, आपको दिखाया था कि छोटू है वो पाइप में रहता है, उस घर का घर के जैसा ही उपयोग करता है, कपड़े सुखाना, बेडशीट, पानी, रसोई। तो हम वो अब बताएंगे आपको। छोटू यूज द पाइप एज हिज होम, ही मस्ट हैव स्लेप्ड इन द पाइप, कुक्ड हिज फूड आउटसाइड, ईट एंड सेट अराउंड इट फॉर अ चैट विथ हिज फ्रेंड। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। वी इस पाइप के अंदर आसपास वो क्या करता है, उसने कैसे कैसे एरियाज बनाए हैं, क्या कौन सा किस तरह से उपयोग करता है, उसके बारे में हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर है, छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है। तो प्लस पहला है अ प्लेस फॉर कुकिंग, अ प्लेस फॉर कुकिंग, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, यहाँ सोता है ना। फिर तीसरा अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाता है। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी भी भर कर रखा है। अ प्लेस फॉर गेट्स एंड फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना मोनू नाम का वो लड़का था, वो उसके साथ रहता था, वो ये भी एक फ्रेंड्स भी है उसके साथ में, और कुछ और भी यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो कितने पार्ट्स हुए हैं डिवाइड में? 5 डिवाइड्स किए हैं उसने पार्ट्स में। तो फिर से आंसर सुनिएगा, छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट अ प्लेस फॉर कुकिंग, सेकेंड अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, थर्ड अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, फोर्थ अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर, एंड 5 अ प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स। अब फोर्थ क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, आपका पूरा सबका उसका बहुत सारा टाइम किस में जाता है? तो आंसर है, छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स इन द प्लेस केप्ट फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? छोटू ने मोनू को इनवाइट किया अपने पास रहने के लिए, क्यों? तो जस्ट लाइक छोटू, मोनू हैज ऑल्सो कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ही टू हैज नो प्लेस टू स्टे। मोरओवर छोटू वॉन्टेड अ फ्रेंड टू स्टे विथ हिम, देयरफॉर छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। छोटू को भी अपने जैसा एक फ्रेंड चाहिए था, और मोनू भी फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में आया था, उसके पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। सो देयरफॉर क्या हुआ, छोटू ने इनवाइट किया उसके साथ रहने के लिए। फिर से इसका आंसर, जस्ट लाइक छोटू, मोनू हैज ऑल्सो कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ही टू हैज नो प्लेस टू स्टे। मोरओवर छोटू वॉन्टेड अ फ्रेंड टू स्टे विथ हिम,
देयरफॉर छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। अब सिक्स्थ लेसन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ यू वेयर छोटू। अगर आप छोटू की जगह होते तो आप किस तरह से पाइप में अपनी व्यवस्था करती, उसके बारे में है। तो आंसर, इफ आई वेयर छोटू आई विल अरेंज कर्टेन्स अराउंड द पाइप टू प्रोटेक्ट इट एंड मी फ्रॉम डस्ट हीट एक्सट्रेका एंड देन लिव इन इट। अगर मैं छोटू की जगह पर होता तो पर्दे लगाता, हाँ, चारों ओर से कवर कर देता, तो फिर क्या होता है, हम डस्ट धूल से या गर्मी से वगैरह वगैरह जो भी है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में थिंक एंड टेल के 6 क्वेश्चंस है, वो हमने आज सोल्व किए, आपको समझ में भी आ गया होगा। हाँ, मैं इसको लिखवाऊंगी, पीडीएफ भिजवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, ये जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारा वो जो स्टाइल्स, पेपर स्टाइल्स के हिसाब से जो लिखना होता है उसी हिसाब में से आपको मैं लिखवाऊंगी। लेकिन ये आंसर्स है जो अभी मैंने सुना है वो आपको दोबारा सुनने हैं, याद रखने हैं, कई लंबे हैं, कई छोटे हैं, सब क्वेश्चंस को याद रखना है, समझना है, आगे भी ये क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपके पास बुक्स अवेलेबल आ गई होगी तो आप ये अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। टेक्स्ट बुक में आप अपने हाउस को यहाँ पे ड्रॉ कीजिए और उसमें कलर भी कीजिए। नोटबुक में अभी नहीं करना है, नोटबुक में जब मैं बोलूँगी तब करना है, आप अभी अपने टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पे कर दीजिए। फिर आगे थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, आपके साथ कौन कौन रहता है। माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडमदर, फादर, मदर, एल्डर सिस्टर, और भी कोई हो, किसी के घर में अंकल आंटी सब रहते हैं तो उसका भी यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। आपके घर में जो रहता है उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। कई किसी के साथ दादा दादी नहीं रहते हैं तो भी इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो रहता है उसके हिसाब से लिखो। मैंने तो यहाँ पे आपको बताया, अगर नहीं आता है आपको समझ में तो इतना तो ज़रूर ही कीजिए कि आपके साथ कौन कौन रहता है। माय ग्रैंडफादर यानी दादा, ग्रैंडमदर, दादी, फादर, पिता, मदर, माता, एल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन। छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। छोटू ने जो अपने पाइप में जो डिफरेंट पार्ट्स किए थे उसके हिसाब से आपके घर में जो पार्ट्स है उसके यहाँ पे लिखना है। ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, वरंदा, लव स्टोरी, जो आपके घर में जो भी है पार्ट्स से जितना भी वो आप इतना लिख सकते हो। और आज आपको टेक्स्ट बुक में ये और ये दोनों आपको करना है। और इसके ये 6 क्वेश्चंस है उसको भी याद रखना है, स्टोरी भी आपको याद रखनी है। कल फिर पार्ट 3 इसको आएगा और आगे हम पढ़ाएंगे।